नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। दिल्ली क्रिकेट के एपिसोड नंबर 93 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 16 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2020 की होस्टिंग को लेकर बहुत ही बड़ी खबर बीसीसीआई की तरफ से निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ बिग बैश लीग 2020 के पूरे कार्यक्रम की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है और उसके अलावा भी क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप अपनी क्रिकेट नॉलेज से और ऑनलाइन गेम्स खेलकर घर बैठे हजारों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलेगी अनलिमिटेड विड्रॉल की 100% गारंटी। इसीलिए आप वरुण ऑनलाइन हब से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर सेकंड टेस्ट मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से यानी 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेला जाना है। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जीत दर्ज की थी, 1-0 से वेस्टइंडीज ने लीड बना रखी है। इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की टीम में हम इस मुकाबले में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जोई डेनली सेकंड टेस्ट मुकाबले में नहीं खेलने वाले हैं, पहले ही यह खबर आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बेन स्टोक्स की जगह पर दोबारा से अब टीम के लिए जोई रूट कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका 3T मैच को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि 18 जुलाई को साउथ अफ्रीका में 3T मैच होने के लिए जा रहा है, जहां पर एक ही मुकाबले में 3 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। बहुत ही ऐतिहासिक यह मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत से पहले क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ियों के साथ साथ वहां की होटल मैनेजमेंट, ग्राउंड मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स स्टाफ सभी का कोरोना टेस्ट कराया था और वहां पर 6 लोगों का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ऐसा साफ कर दिया है कि 24 में से कोई भी खिलाड़ी यहां पर कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आया है। जो 6 लोग आए हैं वो अदर कम्युनिटीज, अदर मैनेजमेंट के लोग थे और यहां पर इस मुकाबले को किसी भी हालत में कैंसिल नहीं किया जाएगा, ऐसा खुद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बोल दिया। 18 जुलाई को भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से स्टार स्पोर्ट्स के 8 चैनल्स पर लाइव आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है इंग्लैंड के भारत दौरे को लेकर। जी हां, सितंबर के महीने में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली थी, जहां पर भारत और इंग्लैंड को आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलनी थी, जिस दौरान 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने थे। लेकिन आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया है। सितंबर के महीने में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर नहीं आएगी। हालांकि ये रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी थी कि इस सीरीज को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आज यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा भी कहा कि अभी से सही 1 साल के बाद यानी जो 2021 की जुलाई अगस्त होने वाली है, उस टाइम पर इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी और लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है बिग बैश लीग 2020 को लेकर और आज फाइनली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश के 10वें सीजन के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सबसे पहले होने वाला है वुमेन्स बिग बैश लीग, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से होने वाली है। वही 29 अक्टूबर को वुमेन्स बिग बैश लीग 2020 का फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस वाले बिग बैश लीग की। तो 3 दिसंबर से सीजन की शुरुआत होने वाली है और 6 फरवरी को बिग बैश लीग 2020 का फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के वेन्यू को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने आज एक बहुत ही बड़ी खबर सभी लोगों के सामने लाकर रखी है, जहां पर ऐसा साफ किया गया है कि अगस्त के महीने में भारत की पूरी टीम यूएई में जाएगी और वहां पर जाकर प्रैक्टिस कैंप का हिस्सा होने वाली है। और साथ ही साथ यह भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो सभी खिलाड़ी भी यूएई में प्रैक्टिस करने के लिए आने वाले हैं। और इन सभी हालातों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा है कि यूएई में आईपीएल 2020 की शुरुआत के लिए वहां पर तैयारियां होने वाली हैं और इस सिनेरियो से ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2020 हमें यूएई में ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत के श्रीलंका दौरे को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जून के महीने में भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली थी, जहां पर भारत और श्रीलंका को आपस में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज
सीरीज खेलनी थी, लेकिन कोविड 19 के चलते उस सीरीज को पोस्टपोन किया गया था। और बताया जा रहा था कि अगस्त महीने की शुरुआत में भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी, जहां पर यह सीरीज होने वाली है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आ रही उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली इस सीरीज को भी कैंसिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आज 16 जुलाई 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।